हमारी जिंदगी में एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है करियर, और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि भाई सबको प्लेजर चाहिए और विद इन ए मिनट चाहिए। इसका एग्जाम्पल तुम ले सकते हो कि लोग डीजल गाड़ी 1-1.5 लाख ज्यादा रेट के देते हैं क्योंकि उन्हें पेट्रोल पंप पे 5 रुपए बचाना है, जबकि उस 1.5 लाख का तेल भी काफी आ जाता है। तो ऐसे ही भाई जो हम आजकल के नौजवान हैं उनको डिस्ट्रेक्शन इतनी सारी हो गई कि उनका करियर पे फोकस नहीं होता। तो हम क्या सोचते हैं, जो बेचारे हमारे बेरोजगार भाई हैं जैसे मैं भी, हम सोचते हैं हमारा बाप खूब कमा रखा है या थोड़ा कमा रखा है, लेकिन इतना कमा रखा है कि हम हमारी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अब ये चीज भी भाई खतरे में हो गई है, क्योंकि एक हरियाणा का ताऊ है जो काफी वायरल हो रहा है आजकल, और वो भाई आफ्टर रिटायरमेंट कुछ ऐसी चीजें और ऐसी बातें कर रहा है कि कोई भी बेरोजगार लड़का ये नहीं चाहेगा कि वो चीजें उसके बाप को दिखे। 28 साल का लड़का पूरे दिन फोन में घुसा रहता है, उसको लगता है पापा ने बहुत कमा लिया, पैसा देगा। अरे मैंने अपने लिए कमाया भाई, तू अपना देख और मुझे मजे लेने दे जिंदगी के। तो भाई ये सब कह के इसने अपने बेटे की जिंदगी नहीं, जितने भी माँ बापों ने ये वीडियो देखी है उनके बेटों की भी जिंदगी खराब की है। और भाई खुद खुद तुम पूछो मत, जहां भाई इसकी उम्र राशन लाने की है ना, वहां ये रशियन ला रखा है। भाई मैं उन सारे बुढ़े को एक ही बात कहना चाहता हूँ जो जिंदगी भर काम करते हैं अपना, और उसके बाद बुढ़ापे में अपनी रिटायरमेंट का पैसा अपने बालक को दे देते हैं, और वो बालक भी हरामी इज्जत नहीं करते। भाई लाइफ ऐसे भी जी जा सकती है। रैंडी कम हियर, सी इज माय गर्लफ्रेंड, आई विल मीट यू गाइस। रैंडी बेबी जस्ट टेल पीपल आर यू हैप्पी विद मी? यस सर, आई एम हैप्पी विद यू। Seriously? Yes. What do you like in me? Oh, I don't know, maybe just you. ये रिटायरमेंट के बाद ऐसी जिंदगी की मैं कल्पना कर रहा था। मेरे बच्चों को लग रहा था मैं उनको पैसा छोड़ के जाऊंगा, पर आराम घरों को एक कौड़ी नहीं दूंगा। क्यों, खुद नहीं कमा सकते, ठेका ठा रखा है, संभाल लूंगा अपने पैसे का। ठीक है ताऊ, आप बात सही कह रहे हो कि खुद कमाना चाहिए आदमी को, लेकिन भाई खुद की कमाई में सिर्फ गुजारा चलता आज की महंगाई में। शौक तो बाप के पैसे के गैली हुए हैं। तो भाई ताऊ की बात तान सुन के ताऊ के लड़के का भी रिप्लाई आया है, तुम वो भी देख लो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोमबीर है, सन ऑफ धर्मबीर फ्रॉम हरियाणा। मैं बेरोजगार हूँ दोस्तों, मेरे दोनों नौकरी को न्या, मेरा बाप बोनू क्या करता, अगर जब मैं रिटायरमेंट आऊंगा ना तो 70-80 लाख रुपए तो प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे, और हर महीने की पेंशन अलग। बोनू बाबू बेटा काचे काटेंगे और पैसे मिले भी, पर मेरा बाबू घना बदमाश लिखड़ा, रिटायर होते सारे पैसे लेके बाज गया। अरे इमनू कैमरा ठोसा ले ले, 1 रुपया भी ना दूं, मन्ना कमाए हैं मैं ऐश करूंगा। इब कदे स्विमिंग पूल में पड़ा रहा है, कदे नाइट क्लब में, कदे दिल्ली जा है मसाज लेने, कदर रशियन बुलाओ के बरा के कर रहा है। और करो भाई आग लेके पैसे हमने के लेना, पर मेरा जी चलाने की तरह इंस्टाग्राम पर वीडियो बना बना के भी के रहा है। गलती मेरी भी है, कॉलेज में मैं एक वछोरी पटा रहता सोनिया नाम की, वहाँ मेरा खर्चा काट दिया करती, अब जब तेरा बाबू रिटारा हो जब दे दियो वापस। इब जब उन्हें मेरा पट्टा मेरा बाबू सारे पैसे लेके बाज गया तो वह भी छोड़ के बाज गई लाल चिल्ली गड़ी। खैर मन तो लागे मेरी गल गलत होया भाई, आपने के लागे नीचे कमेंट में बता दो। तो भाई आप सभी ने तो सुन ही लिया बाप बेटे की लड़ाई जो इंस्टाग्राम पे आई। अब आप बताओ आपको कौन सही लगता है और कौन गलत, कमेंट सेक्शन एकदम खाली पड़ा है तो उसे भर दो। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो जय भारत, जय हिंद।